अच्छा देखो ज़रा, कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। वैसे तो आप स्टडी टेक्स्ट को पढ़ोगे, लेकिन इसको मैं गो थ्रू कर देता हूँ। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ रहा है, कोरिलेशन इज कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि आर हमें ये बताता है कि दो वेरिएबल्स कितने स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं। कोरिलेशन गिव्स द मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल्स, प्लस वन से माइनस वन की रेंज होती है। वेन हाई वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद हाई वैल्यूज ऑफ द अदर वेरिएबल एंड लो वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद लो वैल्यूज ऑफ द अदर वेरिएबल, दे आर सेड टू बी पॉजिटिवली या डायरेक्टली कोरिलेटेड। जब एक्स की ज़्यादा वाली वैल्यू वाई की ज़्यादा वैल्यू के साथ एसोसिएटेड हो और एक्स की कम वाली वैल्यू वाई की कम वाली वैल्यू के साथ एसोसिएटेड हो, तो हम ये कहते हैं वो दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जब हम आर की वैल्यू लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लस वन लिखते हैं, तो वो प्लस वन के जी, प्लस वन ईयर्स ऐसे नहीं होता, सिर्फ एक नंबर होता है। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन। टू रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन आर इज इक्वल्स टू जीरो। अगर दो रिग्रेशन लाइंस हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगी ना, तो आर एग्जैक्टली जीरो आएगा। अच्छा, आर जीरो कब आता है? जब दो चीज़ों के बीच में कोई भी कोरिलेशन ना हो। आर जीरो तब आता है जब दो चीज़ों के बीच में कोई भी कोरिलेशन ना हो। जब कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा, तो एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स की लाइन जो है ना, उन वो दोनों अगर एक ही साथ बनाओगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जो वाई ऑन एक्स और एक्स के और वाई की लाइन की बात कर रहे थे। बाई वेरिएट डेटा इज डेटा ऑन ईच ऑफ द टू वेरिएबल्स वेयर ईच वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल इज पेड विद द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। ठीक है, वही मतलब एक्स और वाई वाली बात। देन आर इज इक्वल टू वन, ऑल द पॉइंट्स इन स्कैटर डायग्राम वुड लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू द अपर राइट। अगर आर एग्जैक्टली वन होगा, तो जितने भी आपने क्रॉसेस डाले होंगे अपनी पास्ट एक्सपीरियंस वाली वैल्यूज़ पर, वो सारे एक ही लाइन पर आएंगे और लाइन लेफ्ट से राइट पर ऊपर जा रही होगी। इन रिग्रेशन एनालिसिस द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मेजर्स द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन वाई दैट इज एक्सप्लेन बाय द वेरिएशन इन एक्स। वो चिप्स वाली एग्जाम्पल, इफ ऑल द वैल्यूज फॉल ऑन रिग्रेशन लाइन देन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर विल बी जीरो। अब स्टैंडर्ड एरर क्या है वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, जो सैम्पलिंग वाला चैप्टर होगा। लेकिन अगर सारी वैल्यूज रिग्रेशन लाइन पर फॉल करेंगी जिस तरह से यहाँ पर, तो स्टैंडर्ड एरर जीरो आएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर वन, पहला सवाल जो है उसमें लिखा हुआ है, इफ वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई आर 16 एंड 25। अगर एक्स और वाई का जो वेरिएंस है ना वो 16 और 25 है, एंड एक्स हैज़ 49% इन्फ्लुएंस इन दी वेरिएशंस ऑफ वाई, देन फाइंड आउट दी स्लोप ऑफ एक्स। कुछ समझ में आता है? सवाल वापस से पढ़ो एक बार। बिल्कुल, हमें वेरिएंस दिया हुआ है ना, तो हमें एस एक्स मिल गया और एस वाई मिल गया। देखो, ये स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वेरिएंस का अंडर रूट। तो 16 का अंडर रूट क्या बनता है? 4। 25 का अंडर रूट क्या बनता है? 5। इफ वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई आर 16 एंड 25 एंड एक्स हैज 49% इन्फ्लुएंस इन द वेरिएशन ऑफ वाई। 49% इन्फ्लुएंस इन दी वेरिएशन ऑफ वाई का मतलब ये है कि वाई जो है वो एक्स की 49% वैल्यू से इफेक्ट हुआ है, एसोसिएट हुआ है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है? ये 49% आर स्क्वायर दिया हुआ है, आर स्क्वायर 0.49 दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ये बताता था ना कि एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के साथ कितनी बार एसोसिएटेड थे। फिर बोलते हैं फाइंड आउट दी स्लोप ऑफ एक्स। स्लोप ऑफ एक्स का क्या मतलब है? कि जो एक्स की लाइन होगी, यानी कि एक्स की लाइन का मतलब है एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई वाली जो लाइन होगी, इसका जो डी होगा वो पूछ रहा है। डी को हम बी एक्स वाई भी लिख सकते हैं।
ये हमसे पूछा गया है, बताओ क्या करें? पहले आर निकालेंगे, सही है, आर अंडर रूट से आ जाएगा ना। आर कितना आ रहा है? 0.7। बताओ क्या आएगा फाइनल आंसर? एस एस करो, निकालो आंसर क्या आता है। बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई एस एक्स अपॉन एस वाई। आर जो है वो 0.07 है, एस एक्स जो है वो 4 है और एस वाई जो है वो 5 है। 0.5, 0.056। ठीक है, नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से। यार 0.56 आ रहा होगा, वापस से चेक करो जरा। ये 0.7 है, सही है। ठीक क्वेश्चन नंबर 9। गिवेन बिलो द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बाय अ कंपनी ओवर द लास्ट 25 ईयर्स। पिछले 25 साल में एक कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के खर्चे कितने थे और उसकी सेल्स कितनी थी? सेल्स की मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज 0.92। द सम ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट फॉर द अबव डेटा वुड बी। करो करो करो, सॉल्व करो। यार ये एक सेपरेट हैंडआउट है, लेकिन उस पर मुझे उसको थोड़ा एडिट कर कर देना पड़ेगा। फिलहाल मैं पीडीएफ भेज दूंगी। बी एक्स वाई कैलकुलेट कैसे होगा? आर मल्टीप्लाइड बाय एस एक्स ओवर एस वाई, और बी वाई एक्स कैसे कैलकुलेट होगा? आर इंटू एस वाई ओवर एस एक्स। आपने दोनों कैलकुलेट कर कर इनको ऐड करना है, क्योंकि उसने पूछा है सम ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स यानी कि इन दोनों का एडिशन, तो ये बन जाएगा आपका 0.92 मल्टीप्लाइड बाई एस एक्स। अब यहां पर सेल्स और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दो चीजें हैं, अमूमन सेल्स वाई और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को एक्स से डिनोट किया जाता है, क्योंकि जितनी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मैं ज्यादा करूंगा उतनी ज्यादा सेल्स होगी।
तो एस एक्स का मतलब क्या हुआ? एस एक्स का मतलब ये हो गया 6000 की स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा ये है ही स्टैंडर्ड डिविएशन, तो 6000 अपॉन 5000, और ये क्या बनेगा 0.92 मल्टीप्लाइड बाई 5000 अपॉन 6000। 1.104 और फिर दोनों को ऐड कर देना कैलकुलेट कर कर, टोटली बता दो 1.871। दोनों को कैलकुलेट कर कर और दोनों को ऐड करना था। सही है, कर लिया ना ऐड दोनों को, ये ऐड वाला आंसर है ना 1.87। सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर गिवन बाय, एक लाइन ये दी हुई है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये एक्स ऑन वाई की लाइन है, एंड ये दूसरी लाइन दी हुई है और लिखा हुआ है वाई ऑन एक्स की लाइन है रिस्पेक्टिवली। इफ द वेरियंस ऑफ एक्स इज 25, तो एस एक्स कितना हो गया? 5 हो गया। वेरियंस का अंडर रूट जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई? एस वाई ढूंढना। चलो करो सॉल्व। आर नहीं गिवन। करो एक्स हाँ, एक्स एंड वाई जो होता है उसकी जनरल फॉर्म है एक्स इज इक्वल्स टू सी प्लस डी वाई, और वाई एन एक्स जो है इसकी जनरल फॉर्म है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। हाँ करो चेंज। एट एक्स इज इक्वल्स टू 25 माइनस 10 वाई। अब 8 को भी उधर ले जाएंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू 25 ओवर 8 माइनस 10 ओवर 8 वाई। तो हमारे पास बी आ डी आ गया हमारे पास, हमारा जो डी है वो क्या है माइनस 10 ओवर 8। इसी तरह से ये जो दूसरा इक्वेशन है ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू माइनस 16x प्लस 12, y इज इक्वल्स टू माइनस 16x ओवर 5 प्लस 12 ओवर 5। तो हमारा बी बी आ गया, बी जो है वो क्या होगा माइनस 16 ओवर 5। अब हम आर निकालेंगे, आर माइनस और अंडर रूट में क्या आएगा बी इंटू डी, एब्सोल्यूट वैल्यूज में लिख दो या 10 ओवर 8 इंटू 16 ओवर 5। चलो आर कितना आएगा? माइनस माइनस टू। -2 आ रहा है, पक्की बात है? अच्छा एक चीज याद रख लो, इस सवाल में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है कॉन्सेप्चुअली हम इस सवाल को कर लेते हैं, लेकिन आर की वैल्यू -1 और +1 की रेंज में होगी। अगर -2 आ रहा है तो कोई हो सकता है कि क्वेश्चन में कोई वैल्यू में प्रॉब्लम है,
लेकिन वैसे तो आपकी आर की जो वैल्यू आनी चाहिए ना, अगर ये सही सवाल सही डेटा से बना हुआ होता, ये तो ऐसे ही ड्राफ्ट हुआ होता, ड्राफ्ट हुआ है, वरना वो -1 और +1 के बीच में ही आनी चाहिए, ये याद रखना। लेकिन बहरहाल चलो, अगर -2 आ जाती है तो उस हिसाब से अगर हम आगे अपना सवाल कंटिन्यू करें, तो सवाल कंटिन्यू करने के लिए फिर हम क्या करेंगे? अब हमारे पास आर आ गया, तो BXY इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई SX अपॉन SY, यानी कि BXY का मतलब हुआ X1Y वाला रिग्रेशन कोएफिशिएंट ना, X1Y वाले रिग्रेशन कोएफिशिएंट, यानी कि D-10/8 इज इक्वल्स टू -2 इंटू 5/SY। SY निकालो कितना बनता है, एट, सही है। हाँ तो किसी से भी कर लो, सेम आंसर आएगा। 11 मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स इज 80 एंड 4, एंड वेरिएंस ऑफ वाई इज 98 एंड 9। मीन एंड वेरिएंस ऑफ वाई इज 98 एंड 9। आर इज 0.6, वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 90। करो, बनानी बनानी है, बनाओ जल्दी जल्दी करो। बी वाई, हाँ बी वाई एक्स में SY अपॉन SX होता है। इलेवन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इक्वेशन बनानी होगी, और हमें ये देखना है कि भाई हमें एक्स और वाई दोनों की मीन दी हुई है और एक्स और वाई दोनों का वेरिएंस दिया हुआ है, तो हमें इक्वेशन बनाने के लिए वो वाला इक्वेशन यूज करना होगा जिसमें मीन वेरिएंस ये चीजें आती हो, मीन वेरिएंस ये चीजें आती हो। कौन सा फॉर्मूला होगा? एक फॉर्मूला आपने लिखा होगा, वाई माइनस वाई डैश इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई SY/SX मल्टीप्लाइड बाई X-X-डैश। जी फॉर्मूला मैंने वाई ऑन एक्स की लाइन के लिए बताया था, हमें पूरा रिपीट कहाँ करेंगे, मीन है ना, मीन वाई डैश का मतलब मीन, तो वाई माइनस वाई का मीन इज इक्वल्स टू आर यानी कि 0.6 इंटू SY3 अपॉन SX2 इंटू X-1। अब इक्वेशन बनाओ पहले, तो वेरिएंस से ही तो स्टैंडर्ड डिविएशन आया अंडर रूट का कर। क्या बनता है?
वाई इज इक्वल्स टू, वाई इज इक्वल्स टू क्या इक्वेशन क्या है? हाँ, 0.9x प्लस 26। अब x की जगह 90 डालेंगे तो y इज इक्वल्स टू 0.9 इंटू 90 प्लस 26, कितना बनेगा? पॉइंट नाइन इंटू 90 प्लस 26, 107 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। इफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ x इज माइनस 1, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ y? करो करो, सोचो 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 सोचो। अर्थमेटिक मीन यानी कि मीन एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ वाई ओवर एन पूछ रहा है ना, यानी कि वाई डैश पूछ रहा है। इससे थोड़े से मुश्किल जरूरी थोड़ी है, इससे मुश्किल आता है ना। देखो अब बात सुनो, अगर आपके पास एक्स और वाई का कुछ डेटा हो, सुनना जरा गौर से, कुछ वैल्यूज है ना। अगर आपके पास एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज हो तो इससे आप वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाला इक्वेशन बना सकते हो और साथ में एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई वाला इक्वेशन भी बना सकते हो। ऊपर वाला इक्वेशन क्या कहलाता है? वाई ऑन एक्स। नीचे वाला क्या कहलाता है? एक्स ऑन वाई कहलाता है। क्या बात है। इन दोनों को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का क्या आ जाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। और हमने ये प्रूफ किया एक प्रॉपर्टी के जरिए कि जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो एक्स बार कॉमा वाई बार होता है। पढ़ा ना, अगर एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स की लाइन हो और उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाले या हम एक्स बार कॉमा वाई बार निकाल लें, सेम आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो इनकी मीन पर होता है या समीशन ऑफ एक्स ओवर एन कॉमा समीशन ऑफ वाई ओवर एन पर होता है। पढ़ा ना। अच्छा, अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करते तो क्या करते? साइमल्टेनियसली सॉल्व करते तो एक पहले एक्स की वैल्यू आ जाती, दूसरे इक्वेशन में उसको पुट करते, वाई की वैल्यू निकालते, या पहले y की वैल्यू निकालते, जब y की वैल्यू आ जाती उसको इक्वेशन में पुट करते, उसके बाद x की वैल्यू निकालते। तो इसने आपको ये बोला हुआ है ना कि अर्थमेटिक मीन ऑफ x इज माइनस वन,
यानी कि उसने आपको एक्स बार पहले ही दिया हुआ है, यानी कि जहां पर ये वाली लाइन, जहां पर वाई ऑन एक्स वाली लाइन और जो एक्स ऑन वाई वाली लाइन होती, वो दोनों मीट करते, वहां की एक्स की वैल्यू -1 होती। आपको वाई की वैल्यू बतानी है तो उसमें यहां पर आप -1 डाल दो, यानी कि ये दोनों लाइन जो है वो -1, 1 पर टकराएंगी, या अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई जो होगा वो भी वो जो है वो 1 होगा। दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा 13, वैसे थोड़ी पूछेगा, वैसे थोड़ी पूछेगा। 13, इफ 4y-5x इज इक्वल टू 15 इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई 0.75। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी के आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई? बी मांग रहा है या बी एक्स ऑन वाई मांग रहा है? करो करो, इसकी मांगे पूरी करो जल्दी से। आपके पास ये जो 4y-5x इज इक्वल्स टू 15 है, ये वाई ऑन एक्स है, तो 4y इज इक्वल्स टू 5x+15, या वाई इज इक्वल्स टू 5x/4+15/4। इस हिसाब से अगर इसको मैं वाई इज इक्वल टू a+bx से कंपेयर करता हूं, तो मेरा b या वाई ऑन एक्स जो है ना वो आता है 5/4, और मुझसे पूछा जा रहा है b एक्स ऑन वाई, और मुझे r भी दिया हुआ है 0.75, और मुझे पता है ना r इज इक्वल टू √bxy(b/yx). तो 0.75 इज इक्वल टू √, ये मुझे मालूम करना है और ये मुझे दिया हुआ। चलो भाई बताओ कितना होगा। x1 आ रहा है, x कहां से आ गया? x1 y बोल रहे हो, आंसर बोल रहे हो? नहीं, चेक करो, पहले तो अंडर रूट लेफ्ट साइड पर जाएगा, तो 0.75 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.75 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4/5, 0.45। सही है, यहाँ पर इस रिकॉर्डिंग को एंड करता हूँ और कुछ डिस्कशन क्लास में ही कर लेता हूँ।